प्रधानमंत्री को बोला जाता है शेर पाला है, शेर है, इतने चुनिंदा लोगों से डर गए, मतलब यही है आपका 56 इंच का सीना? आपने तो 56 इंच के सीने को 56 mm का दिखा दिया हमारे भारत को। चाय वाला करके अपने आप को इतनी बड़ी सीट पर लिया है, पर आप भी एक आम इंसान है, तो अगर काफिला नहीं भी चला तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 15 से 20 मिनट में क्या हो सकता था, पर कुछ हुआ नहीं। वही इंसान जिसकी सरकार ने हमारे 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, उनका मर्डर कर दिया गया, ये यूपी चुनाव से या फिर इनकी हार से दिमाग भटकाने के लिए किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी सिंपथी पाने के लिए कर रहे हैं। सामना करना पड़ेगा, बहुत खेल लिया अपने मंदिर मस्जिद की राजनीति, बहुत बनवा लिया अपने मंदिर, वो कभी मंदिरों को चाटेंगे नहीं बैठ के, आपने राम मंदिर बनवा लिया, किसने क्या कर लिया राम मंदिर में? मुझे समझ नहीं आता चाइना को लाल आंखें दिखाने वाला, 56 इंच का सीना और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है बहुत पहले से, करीब है जो काफिले के करीब है वो बीजेपी की झंडा लहराते हुए लोग दिख रहे हैं, जो लोग जिसमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वो तो उस भीड़ के पास थे ही नहीं। हार की मार इनको बहुत बुरी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है यूपी में जो जैसे चुनाव आ रहे हैं, यूपी में हम देख रहे हैं जितने भी पहले से वो जो पोलिंग होता है पूरा पता चलता है, तो उसमें दिख रहा है कि 100 सीटें भी नहीं आ रही है हमारे योगी जी की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है कल पंजाब के अंदर रैली होनी थी और बिना रैली को संबोधित किए ही बगैर जो है उनको वापस आना पड़ा, और दरअसल इस पूरे मसले को जो है ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पूरा काफिला जो है फ्लाईओवर पर रुक गया था कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से, कुछ किसानों की वजह से। लेकिन इस पूरे मामले को भी जो है अलग अलग तर्क वितर्क दे करके भी ये देखा जा रहा है। कुछ वीडियो ऐसे क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है झंडा दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मुर्दाबाद के लगाए जा रहे हैं, कुछ क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले की वजह क्या है, लेकिन चन्नी साहब ने जो है इस पूरे मामले को देखते हुए जो कमेटी गठित करने का ऐलान कर दिया है। देखना काबिल दिलचस्प होगा कि क्या इसमें खुलासा होने वाले हैं या इसके पीछे की वजह कुछ और ही होने वाली है। हमारे इस पूरे मसले बातचीत करने के लिए नेहा मैम मौजूद हैं, जो कि राह NGO की जो है फाउंडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जानी भी जाती हैं। इनसे बातचीत करना बहुत यह हो जाता है कि दरअसल ये कैसे देखती है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है काफिले में बड़ी सेंधमारी हो जाती है, क्या है इसके पीछे की वजह या फिर जो है कुछ अलग ही वजह होने वाला है। मैम आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में, कैसे देख रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले में इतनी बड़ी सेंधमारी, और मतलब ये बहुत एक सवाल निशान खड़ा करता है, कैसे देखती हैं पूरे इस मसले को? मुझे समझ नहीं आता चाइना को लाल आंखें दिखाने वाला, 56 इंच का सीना और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है बहुत पहले से, हम सुनते आए हैं शुरू से ही, जब से हमारी बीजेपी सरकार हमने देखी है। प्रधानमंत्री को बोला जाता है शेर पाला है, शेर है, इतने चुनिंदा लोगों से डर गए, मतलब यही है आपका 56 इंच का सीना? आपने तो 56 इंच के सीने को 56 mm का दिखा दिया हमारे भारत को। आप ये देखिए, हमारे भारत में ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की ही बदनामी नहीं है, या फिर ये बदनामी बीजेपी की नहीं है कि आप इतने चुनिंदा लोगों से डर गए, जो कि एक स्कैम था, बहुत अपने ही लोगों को इन्होंने आकर सिंपथी पाने के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया है अपने पास। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जय श्री राम के, देखिए वहाँ पर आपने देखा होगा एक वीडियो दिखाई जा रही है, जो लोग उनके करीब है, जो काफिले के करीब है, वो बीजेपी की झंडा लहराते हुए लोग दिख रहे हैं, जो लोग जिसमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वो तो उस भीड़ के पास थे ही नहीं, वो तो उस काफिले के पास थे ही नहीं। आप ये देखिए कि जब मैं कॉलेज में थी तो जब हमने देखा कि वहाँ पर CS में गुरुद्वारे में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, तो INA जोरबाग हौसका सारे मेट्रो बंद कर दिए थे, कई किलोमीटर तक का जितना भी क्षेत्रफल है वो सब ब्लॉक कर दिया गया था, चाहे वहाँ से लोग गुजरे, वहाँ पर एम्बुलेंस हो, कुछ भी हो, वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था, सब कुछ बंद हो गया था। आप ये देखिए कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार होती है जब चुनाव नहीं होते। जब चुनाव आते हैं तो इन सर को, मतलब ये सारे, मतलब सारी जो जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, जितने भी किसान हैं हमारे भारत के, जितने भी मुसलमान हैं, शायद उनका मतलब टारगेट सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। लेकिन नेहा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है और ये मानना भी है कि रैली रद्द करने के पीछे जो है और काफिला वापस लेने के पीछे जो है एक कारण नहीं है कि विरोध प्रदर्शन किया गया, बताया जा रहा है कुर्सियां खाली थी इस वजह से जो है, मतलब रैली वापस, देखिए बताया नहीं जा रहा है, वो दिखाया भी जा रहा है, सोशल मीडिया जो है वो सब कुछ दिखाता है, भला इनकी दलाल मीडिया, गोदी मीडिया कुछ ना दिखाए, सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है। एक एक कुर्सी वहां पर खाली थी। हमारे भारत में किसानों के साथ जो बीजेपी ने किया है, हमारे भारत में जब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, सारे जो बॉर्डर्स थे उन्होंने जाम कर रखे थे, जब हमारे जब जितने भी किसान थे वो लोग
ठंड में, गर्मियों में बैठे हुए थे, उनमें से 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, उनकी जो शहादत है वो कहाँ जाएगी? वो जो लोग शहीद हो गए वो तो वापस नहीं आ सकते। किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चले गई, किसी के घर की जो रोजी रोटी कमाने वाला था वो चला गया, वो लोग तो वापस नहीं आएंगे। आप तो फिर भी सही सलामत, आपको तो ज़रा सी खरोश नहीं आए, तो सही सलामत आराम से बैठे हुए हैं, अपनी राजनीति खेल रहे हैं। आप ये सोचिए, जिन लोगों के घर के चिराग आपने बुझा दिए, उनके साथ आपने क्या किया, क्या किया है आपने? आपको भले ही, अगर हो सकता है ना कि अभी भी हो सकता है आप जीत जाएं, पर ऊपर वाला सब देख रहा है, बहुत बुरी मार पड़ेगी इन चीज़ों की, जो भी आपने हमारे भारत के मुसलमानों के साथ किया, किसानों के साथ किया, बच्चियों के साथ किया, बेटियों के साथ किया, उसकी मार बहुत बुरी पड़ेगी। और आपके लिए शायद जो सबसे बड़ी मार है वो है चुनाव की मार, हार की मार, हार की मार इनको बहुत बुरी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है यूपी में जो जैसे चुनाव आ रहे हैं, यूपी में हम देख रहे हैं जितने भी पहले से वो जो पोलिंग होता है पूरा पता चलता है, तो उसमें दिख रहा है कि 100 सीटें भी नहीं आ रही है हमारे योगी जी की, जो 100 सीटें भी उनके शायद लाले पड़ जाएंगे आने के लिए, जितने बड़ी बड़े वादे कर ले राम मंदिर के ऊपर राजनीति खेल ले, पर इनको 100 सीटें भी लानी भारी पड़ जाएंगी। तो इसलिए सारी जो है ये जो चीज़ें हैं ये यूपी चुनाव से या फिर इनकी हार से दिमाग भटकाने के लिए किया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी सिंपथी पाने के लिए कर रहे हैं। इसको लेकर के जो है स्मृति ईरानी ने भी जो है कहा है कि अगर मोदी जी को ध्वस्त करना था तो चुनाव में करते, ये साजिश रचने की क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब आप देखिए, आप जो इन्होंने बोला है ना वो बिल्कुल होगा, जो आपने बोला है, इन्होंने बोला है हमारी स्मृति ईरानी जी ने, जो वही औरत है जब बेटियों का बलात्कार हो रहा होता है तो घर में छुप के बैठी होती है, ये वही औरत है जो बीजेपी पे अब अपने प्रधानमंत्री जी जो प्रधान सेवक है अपने बड़े, मतलब इनकी बड़ी साइड ले लेती है हमेशा, ये आके पता नहीं ऐसा क्या है जो इनको सबसे ज़्यादा खुंदक मस्ती है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी पे कोई सवाल उठता है कोई नहीं बोलेगा, सबसे पहले यही मैडम आएंगी बोलने, तो ये वही औरत है। और इसकी बातें हम, मैंने हर वीडियो में कहा है इसकी बातें सीरियसली ना लिया जाए, और अगर आप सीरियसली लेते हैं तो अब हमारे भारत में जो चुनाव हो रहे हैं यूपी के या फिर उत्तराखंड के या फिर पंजाब को, इनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत खेल लिया अपने मंदिर मस्जिद की राजनीति पे, बहुत बनवा लिया अपने मंदिर, लोगों को राशन चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहिए, वो कभी मंदिरों को चाटेंगे नहीं बैठ के। आपने राम मंदिर बनवा लिया, किसने क्या कर लिया राम मंदिर में, कितने लोग पूजा करने जाते हैं उसमें, लोग आखिर मंदिर मस्जिद के पीछे भाग क्यों रहे हैं, क्यों भागते हैं? ये वही यूपी सरकार है जो आज इतने बड़े बड़े वादे कर रही है लोगों से कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। इस सरकार को हराना है तो पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी। अगर अभी भी लोगों का ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका है, लोग अभी भी इतने बेवकूफ हैं कि अगर उनकी बेटियों के साथ रेप हो रहा है तो होने दो, उनके बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है तो होने दो, भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है तो होने दो, अगर उनको मंदिर चाहिए तो अभी भी इनको वोट दें। अगर आप होशियार हैं तो इनको वोट ना देकर अपनी जॉब्स के ऊपर, अपनी नौकरियों के ऊपर, बेटियों की सुरक्षा के ऊपर बात करें। ठीक है, ये तो राजनीतिक मसला हो गया, लेकिन नेहा जी, आपको ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा काफिला जो है ओवर ब्रिज पर जो है करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, लोगों का ये सवाल है कि हो सकता है कि कुछ क्या से क्या हो सकता था 15-20 मिनट में, जब इतनी बड़ी सेंधमारी हो जाती है पूरे सुरक्षा में, आपको क्या लगता है कि? आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है, 20-15 मिनट रुक भी गया तो क्या हो गया? हमारे भारत के प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं रुक सकते वहां पर? अगर वो रुक भी गए, अगर उनको 15 मिनट तक रोक भी लिया गया, हो देखिए ये सब जो जितनी भी क्रोनोलॉजी इनकी है ना, जो इनको काफिला रुक गया, आज तक तो हमने पहले कभी देखा नहीं था। यूपी चुनाव से पहले ही, पंजाब चुनाव से पहले ही इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां इन्होंने बना दी, 2-3 फोटो खींच के हमारी मीडिया लगातार दिखा रहा है उस चीज़ को। पर अगर वो रुक भी गए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी एक आम इंसान है हमारी तरह, आप भले ही चाय वाला करके अपने आप को इतनी बड़ी सीट पर लिया है, पर आप भी एक आम इंसान है। तो अगर काफिला नहीं भी चला तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 से 20 मिनट में क्या हो सकता था, पर कुछ हुआ नहीं। आज वो सही सलामत सुरक्षित, वही इंसान जिसकी सरकार ने हमारे 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, उनका मर्डर कर दिया गया, मर्डर किया गया, वो देखिए खुद नहीं मरे हैं वो। अगर हमारी सरकार जो है बीजेपी की, अगर इस तरह के गंदे कानून ना लाती तो शायद आज बॉर्डरों पे लोगों को मजबूर ना होना पड़ता, हमारे किसानों को, उनको अपनी शहादत ना देनी पड़ती, वो शहीद ना होते। तो इन्होंने, इन सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उन लोगों का मर्डर कर दिया, वो तो फिर भी बहुत सही सलामत, उनको एक खरोच नहीं है, अपने घर पे बैठे हैं। है कि जब से किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है गांव में घुस करके जो है रैलियां कर रहे थे, तमाम तरीके की खबरें आ रही थी कि जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे गुस्से को जो है देखते हुए जो है पंजाब में आज भी वही रोष है जो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में देखने को मिला? देखिए किसानों की बड़ी अहम भूमिका रह रही है अभी, देखिए किसानों की नहीं, देखिए बीजेपी पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ही होशियार लोग हैं, इसलिए वहाँ पे बीजेपी नहीं है।
वहाँ के लोग वही लोग हैं जिन्होंने एमएलए को एमपीओ को मार मार के भगाया था इनके बीजेपी वालों को। राम मंदिर के ऊपर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, इन्होंने जो दंगे करा दिए हमारे जाफराबाद में, हमारे दिल्ली में इन्होंने दिल्ली को नहीं छोड़ा, करंट लगाने वाली बात शाहीन बाग को नहीं छोड़ा इन्होंने, एनआरसी के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को अभी तक बेगुनाहों को जेल में डाल रखा है। अगर इन सब चीज़ों को याद करते हुए हम देखें तो गुस्सा सिर्फ पंजाब के लोगों में नहीं, क्योंकि वहाँ के किसान थे, गुस्सा हर एक के दिल में होना चाहिए। और इस सरकार को इस कदर मार पड़नी चाहिए, इस कदर इनको मार पड़नी चाहिए वोट की, इस कदर लोग वोट डाले दूसरी पार्टियों को कि इनको एक एक वोट पे भी मजबूर हो जाना चाहिए, तब जाके लगेगा कि हाँ भारत के लोग कुछ होशियार हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहने वाला है? देखिए उत्तर प्रदेश मैं बता रही हूँ ना, बिहार में जब चुनाव होने वाले थे तो बाइक चल रही थी, तो बिहार में चुनाव होने वाले थे तो हमने कहा था कि भैया नहीं आएगी, नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी। लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह हो गया, लोग इतने हिंदूवादी हो गए, शायद इतने हिंदू भक्त हो गए, उन्होंने फिर भी बीजेपी को वोट दिया, फिर भी वहाँ पे बीजेपी जीत गई। तो अगर हम यूपी की बात करें कि भैया नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो लोग इतने ज़्यादा, शायद इनके भक्त जो हैं वो इतने ज़्यादा, सारे लोगों को नहीं कहूँगे क्योंकि यूपी के लोग बहुत होशियार भी हैं, शायद जो होशियार नहीं, जिन्होंने होशियारी नहीं कही करी पिछले सालों में, शायद वो अब होशियारी करके बाहर निकले। जो कोरोना के हालात देखे, मॉब लिंचिंग्स देखी, बच्चियों के साथ रेप देखे, हत्याएं देखी, उनको देखते हुए अगर यूपी के लोग अभी भी हिंदुओं को, हिंदू भक्त को छोड़कर, हिंदूवादी नेताओं को छोड़कर अगर देखें तो शायद उनको अब बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए। तो फिलहाल जो है इसी वक्त इसी पे जो है चर्चा बना हुआ है और लोगों की जो है जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, लोगों से बातचीत भी किया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में इतनी बड़ी जो है, जो काफिले में जो है इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। सीएम चन्नी की जो है जिस तरीके से कह रहे हैं, उधर गृह मंत्रालय जी के सफाई ये आया है कि जो है डीजीपी जो है पूरी ग्रीन सिग्नल लिया गया था सड़क को लेकर के, इसलिए जो है पूरे काफिले को आगे बढ़ाया गया, तो तमाम तरीके की जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तरीके से पूरे तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है कि दरअसल पूरा मामला है क्या। जैसे ही साफ होगा आपको हम क्लियर जरूर बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए डीएसओ न्यूज़। धन्यवाद।